और 10 मिनट के लिए थाली बजाएंगे, दीपक बजाएंगे और वीडियो चलाएंगे। जी सर जी। यदि उन्होंने बात मान ली, उनको समय देंगे कितने समय में ये काम पूरा करना है, राइट? जी। यदि उन्होंने उतने समय में वो काम पूरा कर लिया तो उनकी स्तुति गान करेंगे, उनका यशो गान करेंगे, उनकी प्रशंसा करेंगे। और उसकी प्रशंसा करने के लिए भी हम उसी तरीके से दीपक जलाएंगे, थाली बजाएंगे और वीडियो भी चलाएंगे, अपना प्रशंसा का वीडियो चलाएंगे, राइट? अब यदि उन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो फिर हम जो है उनकी भर्त्सना करेंगे, उन्हें विवश करने की कोशिश करेंगे। तो आप कहेंगे आप उन्हें कैसे विवश कर पाएंगे? तो बड़ा आसान तरीका है उसका। हमने चूंकि निर्णय लिया है कि हम रोड पे नहीं उतरेंगे, हम रोड पे उतरेंगे अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए, जी, राइट? सरकार के विरुद्ध जो है ना हमारा सकारात्मक वार्तालाप का एक ही तरीका होगा, थाली बजाना, दीपक बजाना, वीडियो चलाना। जी जी। राइट? जी सर। हम रोड पे उतरेंगे तो अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए, पब्लिक से संवाद करने के लिए, पब्लिक को जागृत करने के लिए, सरकार से बात नहीं करेंगे, सरकार के विरुद्ध नहीं होगा ये। जी जी। आप इस बात को समझ रहे हैं क्या? हाँ समझ रहे हैं सर। अच्छा, अब यदि मान लो अजूम करिए इन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो फिर हम काले पट्टिया मानेंगे, काला झंडा लेंगे और भर्सना के जो है ना वीडियो बनाएंगे, उन वीडियो को चलाएंगे। तो दीपक जलाएंगे, थाली बजाएंगे और वीडियो चलाएंगे, राइट? जी, राइट, क्लियर, राइट। हम इनको चूंकि यदि हम करोड़ों में ऑलरेडी पहुंच चुके होंगे तो इसका मतलब है हमारी प्रेजेंस उन हर गली कोने में होगी। बिल्कुल होगी सर। तो जब ये काले अंग्रेज हमारे तरफ जाएंगे तो हम इनको, जैसे उन्होंने कहा था कि साइमन कमीशन वापस जाओ, हम कहेंगे काले अंग्रेज वापस जाओ, काले अंग्रेज वापस जाओ, राइट? बिल्कुल सर। बिल्कुल, जब ये काले अंग्रेज जो है शासकीय पैसे से बसें भेजेंगे, खाना जो देंगे और साथ में 500 रुपए का वो पैसा भी देंगे, तो भी हम इनके कार्यक्रमों में नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। हम इनको अपने किसी कार्यक्रम में नहीं बुलाएंगे, बुलाएंगे हम इनके दरबार को शक्तिविहीन कर देंगे। इनको एक एक दिन जो है ना पास करना मुश्किल जाएगा 2022 से 2024 तक का। बिल्कुल सर। और यदि जो है ना 2024 को टच कर गए और इन्होंने फिर भी नहीं माना तो क्राइम फ्री भारत जो है एक राजनीतिक पार्टी का गठन करेगा और तब इस दौरान जो है ना वो 545 कर्मठों को पहचान के रखेगा। हम जो है ना तब इन्हें सत्ता से बाहर करेंगे और जो है एक नया जो है युग का प्रादुर्भाव करेंगे। जी जी। हरिशंकर जी, आप कितनी शक्ति से जो है ना हमारे पीछे खड़े हुए हैं? हम सर उतनी शक्ति से खड़े हुए हैं सर जितनी शक्ति से एक बच्चा अपनी माँ के पीछे खड़ा रहता है। चलिए, तो मैं, आपने मुझे फोन लगाया इसके लिए मैं आभारी हूँ। हम सब मिलके जो है भारत को जो है एक वैदिक भारत में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। जी जी। इन काले अंग्रेजों ने, आपको जान के ताज्जुब होगा कि जिन्होंने आज हमने एक वीडियो जारी किया है, मतलब दूसरों का वीडियो फॉरवर्ड किया है, जिसमें कि ये बताया गया है कि मुस्लिम लीग जहां भी जीती थी वो सब लोग यहीं रह गए हैं। तो जिन्होंने पाकिस्तान बनाया वो यहीं रहने दिए गए और इन काले अंग्रेजों ने उनको अपने हमारे सिर पे बिठाया, उनके फेवर में कानून बनाए, हमारे जो है ना विरुद्ध, हमारे विरुद्ध कानून बनाए, उनके फेवर में कानून बनाया और हमारे विरुद्ध कानून बनाया। अब आप ये बताइए 1951 में कांग्रेस सरकार ने एक एक्ट बनाया जिसको कहा रिलीजियस प्लेसेस एक्ट करके, वर्शिप प्लेसेस एक्ट, और उसमें कहा कि राम जन्म मंदिर को छोड़ के बाकी और किसी मंदिर को जो है अब जो है धर्म का स्थान नहीं बदलेगा। मतलब आपके जो 40,000 मंदिरों को इन आताताइयों ने आपके साथ रेप करते हुए, आपके साथ बदमाशी करते हुए, आपके साथ बर्बरता करते हुए, आपके मंदिरों को जो है ना मस्जिदों में कन्वर्ट करने के बावजूद भी इन्होंने वो नियम बनाने की हिम्मत की कि आप इस मुद्दे को भी नहीं उठा पाएंगे और किसी कोई कोर्ट आपके उठाने पे संज्ञान नहीं लेगी, कोर्ट पे भी प्रतिबंध है। जी। तो 40,000 टेम्पल, मतलब इन्होंने जो है न केवल आताताइयों को माफ किया बल्कि उनकी बर्बरता और उनके जो है ना वो सब चिन्ह बना के रखे हैं। आप यदि काशी जाइए, आपने काशी के बगल में जो मस्जिद बनी हुई है उसके पीछे जाके देखिए, उसमें जो है शिलालेख हैं, देखा आपने, उसमें जो है माँ दुर्गा और इन सब की जो है मूर्तियां हैं, दीवार पे लगी हुई हैं। जी, वो जो इसका मतलब है वो मस्जिद मस्जिद है ही नहीं, वो मंदिर है।
नहीं सर, है ही नहीं सर। तो इन दुष्टों की कैसे हिम्मत हुई कि 1991 में ऐसा नियम बनाए? हमें सर, नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहिए ये नियम वो निरस्त करें। क्या प्रॉब्लम है भाई, किसी ने कानून बना दिया है, अब हम जाग गए हैं, बदल दीजिए आप। अब ये क्या नरेंद्र मोदी जी की दुष्टता नहीं है कि वो चाहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट से आदेश कराएं? अरे भाई, आपने नियम बनाया है, बदल दो उसको, बात खत्म हो गई है। लेकिन हम सर, हम ये बताइए हम कोर्ट क्यों जाएं, बताइए भाई, वी शुड गो टू द कोर्ट। हमने अपनी सरकार अपने वोटों से इसलिए बनाई है कि हम हर चीज के लिए कोर्ट में जाएंगे? नहीं नहीं सर, कुछ अपने बल से भी करेंगे ना सर। नहीं तो वो मेरा ये कहना है कि हमारी चुनी हुई सरकार इन अधिनियमों को, जिन्हों में जानबूझ के सामने वाले को जो है प्रेशर दिया गया, सामने वाले को अधिकार दिए गए और हमें जो है ना, हमारे ऊपर ये चीजें थोपी गई हैं, हमारे साथ जो है अत्याचार किया गया है, कम से कम इसमें कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है ना, उन एक्ट को तो जो ना चेंज कर दीजिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि यदि ये नहीं बदलेंगे। सर मैं इसमें रोकना चाहूंगा आपको थोड़ा। हाँ बताइए। इन सब के पीछे सर जो हमारे संसद में जो 3 सीटें जो गोपनीय हैं, वो कोई गोपनीय नहीं है, वो जो है ना वो अंग्रेजों की अवैध संतानों के लिए हैं। तो गोपनीय कह क्या, गोपनीय क्यों कह रहे हैं आप उनको? नहीं सर, जैसे गोपनीय शपथ जो ली जाती है संसद में, जब भी जो भी मतलब सत्ताधारी पार्टी आती है, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो या अदर, जो अभी तक 1947 से लेकर के और अभी तक 2019 तक जिसने भी शपथ ली, तो ये गोपनीयता के साथ में जो ली, तो ये गोपनीयता शब्द नहीं। देखिए देखिए देखिए, आपने बात बहुत सही की है। गोपनीयता का मतलब यहाँ पे केवल इतना ही है कि ऐसे मुद्दे होते हैं जो पब्लिक में यदि आ जाएंगे तो गड़बड़ हो सकता है, जिसे विदेशी ताकतें उनके हित में यूज कर सकती हैं। तो चूंकि आप किसी पद पे हैं, उस पद के कारण यदि आपके संज्ञान में कोई बात आई हुई है तो उसे आप गोपनीय रखेंगे और देश का बुरा नहीं होने देंगे, उसका मतलब ये है। उसको आप थोड़ा सा उसका मतलब एक और भी है सर। हाँ हाँ, क्योंकि जो गोपनीयता, जो जिस चीज को गोपनीयता शब्द कहा गया है, तो उसमें दो चीजें हैं। एक तो जो 1947 में जो बंटवारे का जो सिस्टम था, ठीक है, उसके आधार पर कुछ चीजें रखी गई हैं कि जिसमें भारत सरकार अपने दम पर कुछ कार्य नहीं कर सकती। जैसा कि आपने अभी बताया, वो एक वीडियो वायरल किया है कि मुस्लिम लीग के जो लोग चाहते थे कि पाकिस्तान बने, उन लोगों ने पुरजोर ताकत लगाई, लेकिन उसके बाद में वो लोग हिंदुस्तान में ही रह गए, उधर नहीं गए। तो जो लोग यहाँ रह गए उन्हीं ने ये सारी चीजों को बढ़ाया और आज भी बढ़ा रहे हैं। आप तो हरिशंकर जी, फायदा उठा रहे हैं। हरिशंकर जी, आप तो इतने नादान हैं कि आपने उन्हीं लोगों को शिक्षा मंत्री बना दिया और वो शिक्षा मंत्री इतना दुष्ट निकला कि उसने आपका इतिहास भी बदल डाला। हमें हम जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें तो गलत इतिहास मालूम है, हम तो जो है अनपढ़ से ज्यादा खराब है। क्योंकि अनपढ़ की तो एक प्रॉब्लम है कि उसे मालूम नहीं है चीजें, वो पढ़ा नहीं जी, है जी, 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 हम लोग तो गलत पढ़े लिखे लोग जी, और चूंकि गलत पढ़ा है तो फिर हम गलत जो है ना उस पर वार्तालाप करेंगे, फिर हम गलत जो है ना बात संवाद करेंगे। तो उन्होंने तो आपको अंदर से खराब कर दिया है। बिल्कुल सर। तो चलिए, तो जो अपन ने निर्णय लिया है कि यदि ये हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम इनको विवश करेंगे, और इसके बावजूद भी नहीं सुधरेंगे तो जी, इनको वो नहीं रहने देंगे जिसका इन्हें घमंड है। जी सर जी, इनको 2024 में नेस्ट नाबूद कर देंगे। लेकिन यदि ये हमारी बात समझ के करते हैं तो हम इन्हें सिर पे बिठाएंगे, इनकी स्तुति करेंगे, इनको एसोगान करेंगे, क्योंकि हमारी कोई अपनी जो है ना राजनीतिक सोच नहीं। जी जी, हमारी ये राजनीतिक मजबूरी पैदा हो सकती है कि यदि नहीं मान रहा है तो फिर क्या, फिर तो भगवान राम जैसा कहना ही पड़ेगा ना कि बिना न मानत जल्दि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप बस भय बिन होए ना प्रीत। बिल्कुल। तो फिर वो भय तो पैदा करना होगा। इन दुष्टों को ये नहीं मालूम होना चाहिए कि दुष्टों की फौज है कोई अच्छा विकल्प नहीं है। क्राइम फ्री भारत मिशन जो है अच्छे विकल्प के रूप में पैदा होगा, और जिसके पास इतनी सारी चीजें हों, जो किसानों को समृद्ध कर सकता है बिना सरकार के, जो है जहर को अमृत में कन्वर्ट कर सकता है वो भी बिना सरकार के, जो एक्सपेंडिचर फ्री इलेक्शन कर सकता है वो भी, तो एंड देन जो है टैक्स फ्री भारत कर सकता है,
तो वो तो सभी समस्याओं का समाधान लेके आ रहा है और ऊपर से आपको अपराध मुक्त भी कर रहा है। ऐसा ऐसा मिशन आपको और कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा सर। है? तो आओ इसके पीछे बुलंदी के साथ खड़े हो जाओ। हम वो परिवर्तन अपनी शक्ति पे लाके करके दिखाएंगे जिसकी हम सोच रखते हैं, जिसके लिए हम दृढ़ता से भिड़ रहे हैं। और सबसे पहले हमें पब्लिक से संवाद करना है, सरकार से संवाद नहीं करना है, पब्लिक की शक्ति हासिल करना। देखिए आपने सभी जगह जब भी जो है कुछ होता था तो जो है लोग क्या करते थे, ऋषि मुनि सभी लोग तपस्या करते थे और शक्ति हासिल करते थे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो क्राइम फ्री भारत मिशन को पहले पब्लिक से संवाद करके उनकी शक्ति लेना पड़ेगी। एक बार हमारे पास शक्ति होगी तो हम शक्ति के साथ सरकार से बात करेंगे, सरकार हमारी बात बिना जो है ना ज्यादा जैदो वहद के मानेगी, और नहीं मानेगी तो हम उसे विवश करने की कोशिश करेंगे, और यदि वो विवश भी नहीं होगी तो उसे उसे उसके हाथ में वो चीज नहीं रहने देंगे जिसका उसे अभिमान है। जी जी, वो दो तक और दो से नीचे चली जाएगी। हाँ सही बात है, ठीक है ना, दो से ही उठी थे ना तो दो के नीचे चली जाएगी। हम दो चली जाएगी ना, हम दो और हमारे दो कहने वाले के लिए भी लोग नहीं मिलेंगे। नहीं सुनेंगे, सही बात, ठीक है ना। लेकिन ये जो कुछ भी परिवर्तन लाना है वो 2022 से 2024 के बीच में लाना है, क्योंकि हमने इस सरकार को चुना है, ये हमारी चुनी हुई सरकार है। ये इसकी इसकी ये सोच होना चाहिए कि जो भारत चाह रहा है, जो आम आदमी चाह रहा है उसे जमीन पे लाएं। इनकी अलग से राजनीतिक सोच नहीं होना चाहिए। जी सर, जी जी, ठीक है ना। आपने सर जो एक बात कही वो बहुत अच्छी है, और उस मिशन पे मैं पहले से भी काम करने का इच्छुक था, और अब आपने और ताकत दे दी है तो उस पे मैं 100% सफल हो सकता हूँ, होऊंगा भी। जो आपने हर घर में एक गाय का जो आपने जो मिशन रखा है, ये जी चलिए, हम तो ये कह रहे हैं कि सरकार दे, क्योंकि जो सब्सिडी का पैसा है सब्सिडी तत्काल बंद करे। जी सब्सिडी तत्काल बंद करे, राइट, जितने की सब्सिडी दे रहा है उसमें उतना पैसा ही और जोड़े, और उस पैसे से देसी गाय और 10 पेड़ जो है ना मुनिंगा के, क्योंकि मुनिंगा की पत्तियां, मुनिंगा की फली में प्रोटीन बहुत होता है। जी, तो हम जो है ना केवल इसको केमिकल फ्री फार्मिंग में कन्वर्ट करेंगे, बल्कि हम दूध भी पैदा करेंगे, और 64 करोड़ लीटर नहीं करेंगे, उससे डबल करेंगे पैदा। हम मिल्क के पाउडर का एक्सपोर्ट करेंगे जो कि अमृत तुल्य होगा। जी सर, जी जी, अब ये बताइए इतने सॉल्यूशन एक साथ आपको कहाँ में मिल रहे हैं? नहीं मिल सकते सर, नहीं मिल सकते हैं। तो चलो दृढ़ता के साथ कहें कि हम इस बदलाव की जो है आधारशिला बनेंगे। बिल्कुल सर, आधारशिला बनेंगे, नींव रखेंगे, और जब हम रखेंगे तो हम आगे, जब हम बढ़ेंगे तो हमारे पीछे 4 भाई और आएंगे। बिल्कुल ठीक कहा हरिशंकर जी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम सर।